न्यूजीलैंड ने रगड़ दिया भैया 8 विकेटों से टीम इंडिया को। केन विलियमसन खड़े हैं नॉट आउट, साथ में है कॉनवे, ये रहे हमारे किंग कोहली जी। तो ये सारा खेल अब आप मैं आपको समझाता हूं, सारा खेल जो सिर्फ ये चक्रधारी सम्राट जानता है। आपने ध्यान दें, अगर वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले, आईपीएल से भी पहले, क्या अनाउंसमेंट की थी इस आदमी ने, जो अभी दिखाई दिया था, ये नहीं पिछला विराट कोहली। विराट कोहली ने कहा नहीं था, बट अनाउंसमेंट आई थी कि विराट कोहली आईपीएल की कप्तानी छोड़ देंगे इस आखिरी सीजन के बाद, और व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ देंगे। जब अनाउंसमेंट हुई तो क्या हुई कि आरसीबी की तो चलो छोड़ रहे थे और जलील होकर ही निकले हैं उसमें भी सीजन में, उन्होंने कहा T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी छोड़ रहा हूं मैं इस वर्ल्ड कप के बाद, और 50 ओवर्स के अभी नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो अगले साल है। रोहित शर्मा से क्या बात हुई थी कि T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर्स की वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की कप्तानी दोनों वो छोड़ेंगे, पर इसने कहा कि मैं आरसीबी को जिताऊंगा, फिर T20 वर्ल्ड कप जीतूंगा, फिर 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीतूंगा, फिर छोड़ूंगा। जीतना कुछ भी नहीं है, जीतना घंटा, ये रहा सबसे बड़ा मैच फिक्सर। शास्त्री अभी दिखाई दिया था ना हाथ मिलाता हुआ, ये इन दोनों के षड्यंत्र हैं। कोहली और शास्त्री की जोड़ी बनी है बीसीसीआई के लिए सर पे हथौड़ी। बीसीसीआई तो नोट कमा रही है, हथौड़ी तो असली इंडियन फैंस के लिए बनी है जो बेवकूफ बन रहे हैं। अब जब अनाउंसमेंट हुई तो हिटमैन हुआ नाराज, उसने कहा भैया 50 ओवर्स वर्ल्ड कप अगले साल करेगा, मैं 35 का होने वाला हूँ अगले साल, 36 का, ये रहे मेंटर धोनी साहब। धोनी तो हंसता ही होगा इन पर, उसने तो भैया सब जीत रखा, देखो 20 ओवर्स वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल सब कुछ जीत रखा है, टेस्ट टीम 1.5 साल तक नंबर 1 थी। पर हमारे कोहली साहब ने क्या जीता आईसीसी में, घंटा। अब मेन कहानी ये है कि भैया विराट कोहली ने कप्तानी नहीं छोड़ी, ये रहे धोनी साहब, और रोहित शर्मा था उससे नाराज, और वही दिख रहा है टीम गुटों में बंधी हुई है। जैसे पाकिस्तान की टीम एकजुट है, पर वो क्यों एकजुट है, वो एकजुट इसलिए है क्योंकि उनके टूर करने न्यूजीलैंड नहीं आया, पाकिस्तान नहीं आया, इंडिया को कभी वर्ल्ड कप में हराया नहीं था, उन्होंने कहा तीनों काम करेंगे, इंडिया को भी हराएंगे, इंग्लैंड को भी हराएंगे, न्यूजीलैंड को भी हराएंगे। न्यूजीलैंड और इंडिया को हरा चुके, इंग्लैंड को मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल्स में मिलेंगे, और वो बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा क्योंकि इंग्लैंड भी टॉप फॉर्म में है। अभी बात है टीम इंडिया की, बाहर हो चुकी है, अब सपने मत सजाना अखबारों में लिख लिख के कि अफगानिस्तान को हराएंगे, नमीबिया को हराएंगे, स्कॉटलैंड को हराएंगे और 100 से पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होना। पहुंचेगा कौन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इधर से, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उधर से, इस बात को लिख लो।